हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फिर से हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। और आज हमारी जो है गणित की एक्सपेक्टेड क्लास है। बहुत से लोगों को गणित वीक होता है, बट हरियाणा में ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 नंबर का ही मैथ आता है, पर वो भी जो है आपको लेने बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर आपको पेपर क्लियर करना है। तो ये हमारी जो गणित का है वो 6 पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर उनको नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देखना। आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार हरियाणा के एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीदता है, तो सेब का मूल्य प्रति किलो क्या है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको चाहे यहां पर कमी हो चाहे यहां पर वृद्धि हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है 25/100। परसेंटेज आपको 100 लगा देना है और गुणा आपको क्या कर देना है, 240 रुपए में, 240 आपने ऊपर लिख लिया, 240 रुपए में 2 किलो चीनी यानी सेब अधिक खरीदता है। बस आपको ये लिखना है, बस आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए, 25 एकम 25 और 25 चौके कितना होता है 100, 4 दुनी 8 और 8 3 24, यानी कि हमारा काट के इसको 30 आ जाएगा। सारा कुछ हम काट देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि 1 किलो भाव का, 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया अब 30 रुपये हो गया, और यही आपका बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये शॉर्टकट आपको लिए डायरेक्ट आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम तो छोड़िए, ये सेंटर के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। मान लीजिए, पहले आपको देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्केयर, यानी कि भुजा का स्केयर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए, आपने मान लीजिए कोई वर्ग है, उसकी अपने भुजा 10 मान ली, तो 10 का स्केयर कितना होगा, 100 हो जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है वो इस समय हमारे पास 100 है। अब बोल रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि करने पर। अब देखिए, अगर हम 10 में 40% की वृद्धि करेंगे तो हमारी जो भुजा हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। अब देखिए, 14 का क्षेत्रफल करेंगे हम, यानी 14 का स्केयर निकालेंगे हम हमारी भुजा बढ़ने के बाद, तो आपको पता नहीं 14 का वो कितना होता है स्केयर। अब देखिए, 14 का हम स्केयर निकालेंगे तो हमारा कितना होता है, 196 होता है 14 का स्केयर। यहाँ तक कंफर्म होगा। तो ये तो पूछा कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 196, यानी इनका डिफरेंस कितना है 96 का। इट मीन्स 96% की जो है वो वृद्धि हुई है, और यही आपका जो है क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन दिख जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो 15 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है, और आपको हमेशा जो विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना उसको आपने नीचे लेना है। तो 15 है विक्रय मूल्य के बराबर, तो हमने 15 नीचे लेना है और हमको गुणा में 100 कर देना है। बस आपको इतना सा पॉइंट अपनाना है, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि 100/3। अब 100/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33/3% की जो है हमारे पास लाभ हुआ है। ये समझ गए होंगे क्वेश्चन कि पहले हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, उसके बाद हमको जो विक्रय मूल्य के बराबर है उसको हमने क्या कर देना है, उसके नीचे रख देना है, और गुणा 100 कर देंगे हम लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक राशि ए बी सी को 2:5:9 के अनुपात में है, यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए, यहाँ पर कोई राशि हमारे पास कितनी है, 2:5:9। अब इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए का भाग 2500 रुपये हो, यानी कि हमारे पास ए है, यहाँ पर ए बी और सी है। ठीक है, अब देखिए, ए हमारे पास, ए की रेशियो हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 है, और यहाँ पर हमारे पास रेशियो तो 2 है, पर यहाँ पर उसने ए का भाग बता दिया, वो हमारे पास कितना है, 2500 है, तो हमने यहाँ पर 2500 लिख लिया। अब देखिए, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 1250। यहाँ पर कन्फर्म हो गया होगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1250। अब उसने बोला कि कुल राशि कितनी है। अब देखिए, हमने टोटल यहाँ पर पहले ही किया था, रेशो का टोटल कितना है हमारे पास, 16 है, और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1250 आई है, तो 1250 को हम 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1250 और गुणा हमारे पास कितना है, यहाँ पर 16 है, तो हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20000 हमारे पास जो है कुल राशि थी। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 96 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए, उनका योग निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहले हमको संख्याएं पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमको रेशो दिया हुआ है कि रेशो कितनी है, 2x गुणा 3x
ठीक है, यहाँ पर हमने इनका रेशो का गुणा कर दिया, और यहाँ पर गुणनफल कितना है इनका 96 है। चीज़ें समझ गए होंगे। अब 3 दूनी कितना होता है 6। अब एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 96। अब 6 से हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 16। अब देखिए ये स्क्वेयर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर हमारा 16 अंडर रूट में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अंडर रूट 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब देखिए हम इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर एक्स में पुट कर देंगे और यहाँ पर भी एक्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी और फिर हम उनका योग निकाल के बता देंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया, तो 4 दूना कितना हो गया एक संख्या हमारे पास आ गई 8। अब 4 है तो 4 तिया कितना होता है 12 होता था, एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। अब इनका जो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। अब कुछ लोग बोल देंगे कि 4 ही चटाई बनाएंगे, या कुछ लोग बोल देंगे कि 8 ही चटाई बनाएंगे, तो आंसर आपके दोनों ही गलत है। ठीक है, देखिए हमको क्या करना होता है, आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, यानी कि हमको दे रखा है देखिए कुछ 4 बुनकर 4 दिन में जो 4 चटाई है ये हमारा वर्क दिया हुआ है हमको वर्क, तो वर्क हमेशा हम डिवाइड में लेंगे। ठीक है, इसको करने का सबसे वो तरीका है एकदम एक्यूरेट। अब देखिए तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, तो हमारे पास वर्क दिया नहीं है, कितनी है हमने वर्क भी एक्स में ले लिया क्योंकि हमको यही निकालना है। यानी कि हमको क्या करना है, दोनों कंडीशन में हमको वर्क जो है वो बटे में ले लेना है, नीचे ले लेना है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एकम 4 से हमारा 4 कट गया। अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 दूनी कितना होता है 16। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए अगर बी उससे ज़्यादा कुशल है तो ऑब्वियसली सी बात है बी उसको कम दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। अब पूछ रहे बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले हमको पता होना चाहिए वो काम कितना है, और हमको पता होना चाहिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, तभी तो हम काम से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और यहाँ पर हमने लिख लिया ए, यहाँ पर हमने लिख लिया बी। ठीक है, अब ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, अगर ए की एफिशिएंसी मान लीजिए हमने 100 है तो बी की हमारे पास एफिशिएंसी 160 होगी क्योंकि वो 60% ज़्यादा कुशल है। अब इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2 8 कितना होता है 16 और 2 5 कितना होता है 10 होता है। अब देखिए ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5 है, और ए उस काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, यानी कि 12 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया, हमारे पास वर्क कितना आ गया 60 आ गया। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमारे पास वर्क तो 60 है और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, अब यहाँ से 8 आ गई, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 से 8 7 कितना होता है 56 होता है, और 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा, 8 5 कितना होता है हमारा 40 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब देखिए हमारे पास 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिसको हमने मान लिया ए और एक को मान लिया हमने बी, इनकी चालों का अनुपात है 6:7। ये देखिए इनकी चालों का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, 364 किलोमीटर चल रही है कितने घंटे में 4 घंटे में। अब इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी, तो वही हमने किया है। दूरी हमारे पास कितनी है 364 है, समय हमारे पास कितना दे रखा है 4 घंटे, हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 4 दिन में 36 और 4 एकम 4, यानी कि हमारे पास बी की हमको चाल पता लग गई है अब कितनी है 91 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बी की चाल रेशो में है कितनी 7, और हमारे पास आ गई है कितनी 91, तो 7 एकम 7 और यहाँ पर हमारा 13 जाएगा, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसको काट के आ गया 13। अब पूछा ए की चाल यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो इसको 13 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 13 6 78, यानी कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है ए की चाल आ गई, और बी की चाल हमारे पास कितनी आई थी 91 आई थी। ठीक है, तो ये हमारा 78 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके बता देना कि वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। धन्यवाद दोस्तों।